मैं एक्चुअली सर फौज से रिटायर्ड आया था सर, और किसी फंक्शन में डॉक्टर एलवी सिंह से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने ये बोला कि मैं सीएम साहब का आदमी हूँ, मैं जन स्वास्थ्य कल्याण समिति का जो सचिव हूँ और मेरे अंदर सचिवालय में नौकरी मिलती है, बहुत सारे गरीब और इसका जो है कि इन्होंने बोला कि ये करते हैं सर। और उसके साथ मैं जब मेरे को ऑफर दिया कि आप जो है हॉस्पिटल खुलवाओ बनवाओ ये करके सर, मेरे साथ तो सर बहुत बड़ा ठगी। हम डॉक्टर आशीष, हम एक डेंटल सर्जन है और एक डॉक्टर एलवी सिंह है, अपने आप को डॉक्टर कहता है जी। पिछले साल 2023 में हॉस्पिटल खुलने के नाम से हमसे पैसा लिया था 13 लाख रुपए, तो बोला कि हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं 0 माइल पे। हम बोले ठीक है भाई, डॉक्टर लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी यही सोच के पैसा लिए। जब हॉस्पिटल नहीं खुला तो जब हम इससे पैसा मांगे तो हमको श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राजकुमार से पता चला कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये जेल भी। मैं आप सबों से ये अवगत कराना चाहती हूँ, डॉक्टर एलबी सिंह लाल बाबू सिंह जो कि अपने आप को सचिव बनाते हैं बिहार सरकार के, डॉक्टर लाल बाबू सिंह जो जन स्वास्थ्य कल्याण समिति सचिव लिख के अपने गाड़ी पे घूमते हैं, अपने आप को MBBS डॉक्टर बताते हैं, वो फर्जी डॉक्टर हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है और वो भोले भाले इंसान को ठगते हैं। गरीब हॉस्पिटल में चलाने के लिए हमको बोले थे आपको मेडिकल स्टोर दे देंगे, वो आप चलाइएगा, उसमें दवाखाना आप चलाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ अजय शर्मा। आपको बता दें राजधानी पटना से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले, काफी दिनों से फरार चलने वाला फर्जी डॉक्टर एलवी सिंह, अब पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि एलवी सिंह ने दर्जनों डॉक्टरों से उनका अस्पताल खुलवाने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी करके फरार चल रहा था। आखिरकार कदम कुएं की थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि यह अपने गाड़ी पे स्वास्थ्य विभाग का सचिव का बोर्ड लगा करके चलता था और डॉक्टरों से कहता था कि तुम मेरे पार्टनर बनो या फिर मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारा अस्पताल खुलवा दूंगा। उसके झांसे में आकर के डॉक्टर आ जाते थे और उसे पैसा दे दिया करते थे, किसी से 26 लाख रुपए, किसी से 24 लाख रुपए और किसी से 14 लाख रुपए की ठगी करने वाला आखिरकार एलवी सिंह फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है और वह अब कदम कुएं थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे भेजने का अब काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इन पीड़ितों ने, जो डॉक्टर पीड़ित है, NBC चैनल के सामने क्या बयान दे रहे हैं जरा देखें। मैं एक्चुअली सर फौज से रिटायर्ड आया था सर, और किसी फंक्शन में डॉक्टर एलवी सिंह से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने ये बोला कि मैं सीएम साहब का आदमी हूँ, मैं जन स्वास्थ्य कल्याण समिति का जो सचिव हूँ और मेरे अंदर सचिवालय में नौकरी मिलती है, बहुत सारे गरीब और इसका जो है कि इन्होंने बोला कि ये करते हैं सर। और उसके साथ मैं जब मेरे को ऑफर दिया कि आप जो है हॉस्पिटल खुलवाओ बनवाओ ये करके सर, मेरे साथ तो सर बहुत बड़ा ठगी हुआ सर। मैं फौज का पैसा पूरा ले गया सर। कितना पैसा ले गया? मेरा सर 26.5 लाख रुपया इन्होंने मतलब ये कर दिया सर। यहाँ हॉस्पिटल खुलवाते हैं, यहाँ सामान दिवाते हैं सर, लेकिन कुछ नहीं दिया गरीब मजदूर को भी सर। घटना कब की है ये सर? मेरे साथ घटना सर पिछले साल 2023 फरवरी से स्टार्ट हुआ था सर मेरे साथ घटना। ये आपने केस किया सर? मैंने चेक बाउंस का केस किया है, मेरा कोर्ट केस हाजीपुर में चेक बाउंस का चल रही है सर। आप लोगों के योगदान हो सर, मेरा भी कल्याण हो जाए। मैं एक फौजी आदमी हूँ सर और मैं अभी तक गलत नहीं किया हूँ। मेरा सर राकेश कुमार उर्फ दिलीप जी, मेरे नाम से मतलब प्यार से लोग बोलते हैं सर। जी आप कहाँ पहुँचे हैं? मेरा नाम डॉक्टर आशीष है, मैं एक डेंटल सर्जन है और एक डॉक्टर एलवी सिंह है, अपने आप को डॉक्टर कहता है जी। पिछले साल 2023 में हॉस्पिटल खुलने के नाम से हमसे पैसा लिया था 13 लाख रुपए, तो बोला कि हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं 0 माइल पे। हम बोले ठीक है भाई, डॉक्टर लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी यही सोच के पैसा लिए। हाथ में जब हॉस्पिटल नहीं खुला तो जब हम इससे पैसा मांगे तो हमको श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राजकुमार से पता चला कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये जेल भी जा चुका है। तो हमने अपना पैसा मांगा, ये पैसा देने में आए आनाबानी कर रहा था, तो अभी हम FIR किए थे। DSP साहब के ऑर्डर से ये अभी गिरफ्तार हो गया है, अभी कदम कुआं थाना में ये भी अभी हाजत में है और कल भरसक उम्मीद है कि जेल चला जाएगा। मैं आप सबों से ये अवगत कराना चाहती हूँ, डॉक्टर एलबी सिंह लाल बाबू सिंह जो कि अपने आप को सचिव बनाते हैं बिहार सरकार के, डॉक्टर लाल बाबू सिंह जो जन स्वास्थ्य कल्याण समिति सचिव लिख के अपने गाड़ी पे घूमते हैं, अपने आप को MBBS डॉक्टर बताते हैं, वो फर्जी डॉक्टर हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है और वो भोले भाले इंसान को ठगते हैं। वो बिल्कुल 420 हैं, एक नंबर के लुच्चे लफंगे हैं। और वो मेरे साथ 18 लाख रुपए की ठगी हुई, मेरे भाई के साथ में 13 लाख रुपए की ठगी हुई, सबको गरीब के हॉस्पिटल बनाने के नाम पे। इस बात के लिए
ये सबको हॉस्पिटल में जोड़ते हैं, हॉस्पिटल से जोड़ने के नाम पे मुझे तो समाज सेवा के लिए जोड़ा कि मैं मां सिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहा हूँ। आप समाज सेवी हैं, चूंकि वो जानता था ये बात कि हम समाज सेवा में गरीब मरीजों को कहीं कहीं ले जाके उनका इलाज कराते हैं, तो इसने मुझे कहा कि आप हमारे साथ में आइए, पार्टनरशिप करिए। लेकिन मैंने मना किया कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ, मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, आप कीजिए, जब गरीबों की सेवा की बात आएगी तो हम आगे आएंगे। ठगी कब हुआ? ठगी कितने लोगों? ठगी तो अब तक 10 लोग तो मेरे नजर में हैं जिन लोगों से ठगी हुआ है। मेरा भाई डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट है, आशीष सहाय, उसके साथ ठगी हुई 13 लाख रुपए की, मेरे साथ में 18 लाख रुपए की ठगी हुई है। और एक मां सिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो एक व्यक्ति थे दिलीप जी फौजी, वो रिटायर फौजी हैं, उनके साथ 26 लाख रुपए की ठगी इसने की है। उसके बाद डॉक्टर राजकुमार हैं, उनके साथ ठगी किया है। एक पंडित जी हैं, पंडित जी ये अभी आज गिरफ्तार होकर आए हैं यहाँ पर। और मैं आप सभी से अवगत कराना चाहती हूँ, ये आदमी MLC बनना चाहता है और ये समाज सेवा के नाम पे ये सबको ठगता है, ये दिखावा करता है और एकदम बिल्कुल डराता है, धमकाता है। जब मैंने बात की इससे कि हम सबको बताएंगे, तो इसने कहा कि मुझे उठवा लेगा और मुझे मेरे बारे में बोला कि गोली चलवाएगा, उठवाएगा, और ये इसका पूरा परिवार मिलके ठगी करता है। मेरा नाम हुआ राजकुमार और हम श्रीराम रेफरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और ये हॉस्पिटल पड़ता है बोरिंग रोड SK पुरी में। डॉक्टर LB सिंह 18 में हमसे 10 से 12 लाख रुपये लिए थे और इनका चलता था मनपुरा में हॉस्पिटल जिसका नाम था गरीब हॉस्पिटल, और गरीब हॉस्पिटल में चलाने के लिए हमको बोले थे आपको मेडिकल स्टोर दे देंगे, वो आप चलाइएगा, उसमें दवाखाना आप चलाइएगा। उसके बाद में हमसे मांगे थे 12 लाख रुपया और हम 12 लाख रुपया उनको दे दिए LB सिंह। और ये डॉक्टर LB सिंह अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, पहला चीज तो डॉक्टर है नहीं, दूसरा चीज अपने गाड़ी में लिखते हैं सचिव, क्या चीज के सचिव है इसके बारे में सरकार को पता करना चाहिए, है ना, ताकि हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए। हमसे पैसा लिए थे गरीब हॉस्पिटल में दवा खाना खुलवाने के लिए, 12 लाख रुपया जी हमें SK पुरी थाना में सूचना दिए थे और उसके बाद SK पुरी थाना वाले जो है उसमें 1 साल 1.5 साल के बाद उनको अरेस्ट किए और जब अरेस्ट हो गए तो हम ये कोर्ट चले गए, जेल गए, जेल भी गए करीब 5 से 10 रोज के लिए और कोर्ट ने जो है हमको 1.5 से 2 लाख रुपया पैसा रिटर्निंग करवाया, बाकी का पैसा हमको नहीं दिया, बोले थे कोर्ट को दे देंगे, लेकिन वहाँ से टाइम लेकर के अपना वहाँ से भाग जाते हैं, जब भी डेट पड़ता है वहाँ से निकल जाते हैं। अभी हम ये अरेस्ट हो गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं पटना में कदम कुआं थाना में ये अरेस्ट हुए हैं। वही सब जाहिर सी बात है कि पीड़ित डॉक्टर ने साफ तरीके से कहा है कि हम लोगों से अस्पताल खुलवाने के नाम पे LB सिंह लाखों रुपए की ठगी करके काफी दिनों से फरार चल रहा था और डॉक्टर तो डॉक्टर एक फौजी से भी इसने ठगी का लाखों रुपए की ठगी का शिकार बना लिया था। आपको बताते चले एक रिटायर फौजी से उसने लाखों रुपए की ठगी की है और फरार चल रहा था, आखिरकार पटना पुलिस ने LB सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह होगा कि इसके गिरफ्त में और कितने लोग हैं और कितने लोगों के साथ यह काम करता था, अब देखना यह होगा कि पटना पुलिस कब इन लोगों के साथ काम करने LB सिंह के और भी लोगों के साथ काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर पाती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।